लेकिन मालिक ने उसको झटका देना था, अपनी पहचान करानी थी। तो परमात्मा बाहर खड़े हैं 5 वर्ष के बालक रूप में, बीच में पर्दा है, अंदर वो साधना करा 104 साल का वृद्ध ब्राह्मण। तो बाहर से परमात्मा कहते हैं कि स्वामी जी चिंतित ना हो, टेंशन मत ले, इस माला की गांठ खोल ले, गुंडी खोल और फिर गले में बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और मुकुट के ऊपर का वह जावा नहीं थी, उसने कोशिश करी थी, मुकुट में फंस गई। तो रो रहा था बैठ के, अब क्या करूं। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इसकी गांठ खोल के और फिर गले में बांध दे, या पूजा खंडित ना होगी, तेरी सफल हो जाएगी। और तेरे की कोई मूर्ति नहीं, और इसने मेरे मन की बात जान ली, ये मानस मनुष्य नहीं, बालक नहीं, दुल्हा नहीं, ये भगवान आया है। कहते हैं डोडी पड़दा दूर कर ली, ना कंठ लगा, अर गरीब दास गुजरी बहु, जो बदन बदन मिलाया। कहते हैं जिसको तो पुण्यात्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए तो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है। अब देखो यहाँ ये है वो खेल भगतों, यानी सूरवीर कौन होता है, ये होते हैं सूरवीर भक्त। एक तरफ तो सारी महिमा 104 साल के वृद्ध और जय जयकार हो रही, ऐसा विद्वान नहीं, ऐसा ब्राह्मण नहीं, और एक तो सामने सारा ही ब्राह्मण समाज बैठा, और जो धानक शूद्रों को छूता भी नहीं था, और वो धानक को छू रहा है और सीने से लगा रहा है। तो पुण्यात्मा इसको ब्राह्मण कहते हैं। उस समय उसने समाज नहीं देखा, उसने भगवान देखा जिसके लिए तरफ रहा था, और बाढ़ में जाओ समाज और मालिक के सबके सामने उसको सीने से लगा लिया। अब गरीबदास जी कहते हैं गुजरी तो बहुत, उसके मन पर बहुत बड़ी समस्या तो पैदा हुई उसको, जब जुल्हे के बालक को सीने से लगा। पर इसको कहते हैं संत, कहते एक का चोट से धारिया दिन मिलन दाचा। अब क्या बताते हैं, वार्ता सुनाता हूं। कहते बोले रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, दास गरीब पूजा करे मुकट भही फही जद माल, मुकट में माला फंस गई। बोलत से परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञाने, दास गरीब सिर मुकट धर माला अटकी आन, स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, दास गरीब इस भजन को भाई जान सके कर तारे। जब परमात्मा ने कहा स्वामी घुंडी खोल कर ये माला गल डार, रामानंद जी कहते मेरी भक्ति और मेरी साधना को भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, क्योंकि बाहर कोई साकार मूर्ति भी नहीं थी। डोडी पड़दा दूर कर फिर लीना कंठ में लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत जब बदन का बदन मिलाया। एक दुल्हे से संपर्क किया, टच किया, कहते दिल में स्वच्छ मन में न्योता आवती किए कहेंगे, पर कहण दे न्यो भी गिर लयावती कहण दे भगवान मिल गया। फिर क्या कहते हैं रामानंद जी, ओए होए, कहते मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की बात में पूजा जो कर रहा था आपने पकड़ ली मेरी बात, और मुकट माल पर वे से गरीब दास गति कौन लख, तेरा कौन वर्ण के भेख। ओए होए, रामानंद जी कहते हैं कि आपने मेरे मन की बात पकड़ ली, आप परमात्मा हो, अब मेरा यकीन हो गया, लेकिन आपको कैसे कोई परमात्मा माने, आप किस वर्ण में खड़े हो जुलाहे में, और किस वेशभूषा में, धोती कुर्ता बंद एक बालक खड़ा छोटा सा, आपको कैसे भगवान पहचाने कौन माने दाता। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल पर वेश, गरीब दास गति कौन लख, तेरा कौन वर्ण क्या भेष। अब रामानंद जी क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीब दास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे,
जब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बच्चे को सीने से लगाया, ऐसा शरीर था जैसे रबड़ का होया करे, हार्ड मास का शरीर नीताता का। ये विधेयी थे, विधेयी माने विलक्षण देह थी परमात्मा की, हमारे जैसी देह नहीं, से भिन्न देह थी। तेज पुंज का शरीर था दाता का। रामानंद जी कहते मेरा तो बद्र जैसा शरीर है दाता, और आपका तो कोमल बदन है, रुई जैसा शरीर है दाता आपका। ये तो दीक्षा तुम दी, यानी आपने मुझे जो अकल दी है, जो मेरी अकल ठिकाने लाने के लिए जो मेरे साथ आपने घटना करी है, या तो मैं समझ गया, क्योंकि बुद्धिमान था कि मेरे को इस जाति वाले भ्रम से मिटाने के लिए, हटाने के लिए इन्होंने जो कुछ ये लीला की है। और तुम कोमल पुरुष हे परमात्मा, आप तो बहुत नरम शरीर है आपका, और हमारा बदन कठोर। अब क्या होता है कि रामानंद जी ने, अब परमात्मा ने तो वार्ता बढ़वानी थी, उनका थोड़ी सी भूल फेर डाल दी और पिछली बात याद दिला दी कि एक बात बताओ बच्चा, आपने झूठ क्यों बोला। परमात्मा बोले झूठ क्या बोला स्वामी जी, अपने आत्माओं परमात्मा ने हमें एक उदाहरण पेश किया है कि गुरु और शिष्य का कैसा भाव और लगाव होना चाहिए। गुरु के सामने अति अधीन होकर बात करें, परमात्मा तुल मान के उनसे व्यवहार करें, स्वयं मालिक होकर के एक गुरु और शिष्य की भूमिका हमारे लिए एक उदाहरण पेश करते हुए कितना प्यार से कह रहे हैं। कहते हैं हे स्वामी जी, मैंने कैसे झूठ बोला कि बेटा आपने कहा कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है। कहाँ जी आपने दीक्षा दी है, कब दी है। एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ा मेरे सिर में चरण पादुका लगी थी, मैं रो रहा था, और आपने कहा था बेटा ना रो, राम राम बोल, राम राम बोले। कि हाँ, उसको याद आया कि भाई वो तो एक छोटा बच्चा था बेटा, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक का रूप था उसमें, और वहाँ खड़े थे 5 वर्ष के बालक के रूप में। तो 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस होता हाइट में, शरीर में, बॉडी में। तो वह उसके गले ना उतरे रामानंद जी के। तो परमात्मा ने उसी समय एक अन्य रूप बनाया 2.5 वर्ष के बच्चे का, और एक सेवक की चारपाई थी उस पर लेट गए। अब देखो स्वामी जी ऐसा था। अब स्वामी जी ने 6 बार तो 2.5 साल के वर्ष के बच्चे की तरफ देखा, और 6 बार सामने खड़े मालिक 5 वर्ष के बालक के रूप में देखा। और थोड़ी सी देर में क्या हुआ, 2.5 वर्ष का बच्चा वहाँ से उठकर उस 5 वर्ष के बालक में समा गया। रामानंद जी खड़ा रह गया। अब रामानंद जी को फिर मालिक ने याद दिला दिया कि मैं जो दीक्षा देता हूँ उसको कंठी भी देता हूँ, क्या आपके पास कंठी है। कहाँ जी ये रही, देखो उस दिन आपने दी थी अंधेरे में, हुआ उसके गले से निकल कर मालिक के डल गई थी। और रामानंद जी भी ढूंढता रह गया था कहाँ गई, उसने और बना कर डाल लिया पड़ी। रामानंद जी के छक्के छूट गए कि वो भाई बालक को नहीं, ये बच्चा नहीं है, ये तो कोई। फिर रामानंद जी ने कहा जी मैं तो राम नाम तो नहीं देता किसी को मंत्र रूप में, जैसे पुण्यात्माओं हम सत्साई बोलते हैं, ये हमारा कोई मंत्र नहीं है, ये नाम जाप नहीं है। सतनाम कहते हैं, ये नाम जाप नहीं है, वो मंत्र अन्य है। तो ये ऋषि लोग कोड वर्ड रखते थे, राम राम कहते थे, भाई राम राम बोल, तो राम राम। और वो नाम देता था ओम, ओम मंत्र देता था, और ओम 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 भगवते, ओम नमः भगवते वासुदेव, एक ये मंत्र देता था, और ओम नंबर ओम मंत्र देता था। लेकिन ये बताते नहीं थे किसी को सामने को, जैसे आम ये रिवाज कैसे पड़ गई, इनको एक संकेत दिया जाता था कि राम नाम की भूल ना लगे भगवान। राम नाम उनका राम नाम ओम था, हमारा राम नाम है ये 2 अक्षर का सतनाम। राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, और उनका केवल राम नाम था ओम। तो ये राम राम तो एक औपचारिक था, जैसे कहा जाता था भी
भगवान की भूल कभी ना पड़े, काम करते करते भी याद करते रहना। तो सबको आदेश दिया जाता था ऋषियों को कि एक दूसरे को राम राम बोलना। राम राम का अर्थ ये समझ लेना कि जो मंत्र दे रखा है उसका जाप कर और टेंशन में मत घूम। तो सामने कोई मिलता था उसको राम राम कहते थे, वो समझ जाता था हाँ जी हाँ राम 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 राम, हाँ मेरे याद है, अब करूँ कर रहा हूँ या अभी शुरू कर देता हूँ जो मंत्र मुझे प्राप्त है। ये उनका कोडवर्ड थे। फिर ये पूरे समाज में पहुँच गया उनसे सुन सुन के, राम राम जी राम राम जी। और जैसे हम सच्चाई बोलते हैं भी भगवान ही है और सब कुछ यहाँ का फीका संसार है, तो उसका अर्थ ही होता भी भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, उसमें लीन रहना चाहिए, हमारा सच्चाई का ही अर्थ है। तो इसी प्रकार वो राम राम बोला करते थे। तो परमात्मा ने से रामानंद जी ने कहा कि मैं राम नाम नहीं देता, कोई और मंत्र है। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो। रामानंद जी बैठ गया, बूढ़ा आदमी, ये तो भाई सचमुच कति जानी जान है। फिर कहने लगा बच्चा एकांत में बैठूंगा मैं, तेरे बात करूंगा नारी। वो समाज तो उठ के चला गया सारा, ब्राह्मण तो सारे विदग्ञ अके बुढ़ापे में इसकी अकल खराब होगी, रामानंद की बुद्धि चल गई, एक धानक को सीने से लगा लिया दुल्हाई को और चले गए, जाओ जाओ बाढ़ में जाओ। तुमने जो जिस वस्तु के लिए उसने घर छोड़ा भगवान के लिए तड़फ रहा था, वो सामने बैठे के देखा समाज ने, फिर भगत नहीं जो समाज जी की तरफ देख रहा, तो सफलता नहीं हो सकती। फिर वो अलग से बैठे रामानंद जी, वो दो चार और बैठ गए उनके साथ बैठे रहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु जी की भक्ति करता हूँ। आप वेदों को सत्य मानते? कहाँ, वेद तो एक नंबर के ग्रंथ है। आप क्या नाम जाप करते? कि ओम नाम करता हूँ। और क्या करते हो? ओम भगवते वासु, ओम नमः भगवते वासुदेव नमः, और ओम नमः शिवाय, और बाकी सारे कुछ। तो परमात्मा ने कहा कि ओम भगवते वासुदेव नमः ये तो गीता में भी नहीं है ना, वेदों में है। वेदों में केवल ओम मंत्र है आपकी बात मान के, और उससे ज़्यादा ओम नाम तो एक कहने मात्र था, लेकिन ज़्यादातर ये विष्णु जी के ही पुजारी थे। तो जैसे हम अपने इष्ट रूप में जिसको पूजते हैं हमारी आशा वहीं रहती है, और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। तो परमात्मा ने पूछा आप किसकी पूजा करते हो? विष्णु जी की। कहाँ जाओगे विष्णु जी की पूजा से? कि विष्णु जी के लोक में स्वर्ग में जाऊंगा। परमात्मा ने पूछा कि उस स्वर्ग में स्वामी जी कितने दिन रहोगे? कि ये तो बच्चा मेरी भक्ति पर निर्भर करेगा, मेरे पुण्यों पर निर्भर करेगा, मैं कितने दिन रहूँगा वहाँ। फिर कहाँ जाओगे स्वामी? वो पुण्य तो समाप्त होंगे, स्वर्ग समय भी समाप्त होगा, फिर कहाँ जाओगे? अक पता नहीं बच्चा, फिर कहाँ जाना होगा, मैं बताऊँगा फिर कहाँ जाओगे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहाँ मन भोरे की तकुरड़ी चरने जाई। फिर आप नरक में जाओगे, आपके पाप भी साथ हैं, पुण्य भी साथ, दोनों इकट्ठे। पुण्य भी साथ जमा होते हैं और पाप अलग जमा होते हैं, पुण्य अलग। जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे आप स्वर्ग से भी ऐसी बगात निकाल दिए जाओगे, फिर नरक डाले जाओगे। नरक के बाद 84 लाख योनियों के शरीर में जाओगे। इस विधान से वो स्वयं भी परिचित था, क्योंकि विद्वान को समझाना बहुत आसान होता है जब उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाता है। तो कहना हाँ बेटा ऐसा ही होगा। फिर खाक भक्ति हुई, और विष्णु भी मरेगा एक दिन, उसकी भी आयु है। परमात्मा देखो कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चमिन को फेरा मोती आवे अंदरे। परमात्मा कहते हैं विष्णु जी भी मरेंगे कि नहीं, ये तो अजर अमर है, ये तो सर्वेश्वर है। परमात्मा बोले कि आप पुराणों को सत्य मानते? कहाँ, परम सत्य है कि श्री देवी पुराण 3रा स्कंद उसमें देवी को विष्णु जी स्वयं स्वीकार कहते हैं। 123 पृष्ठ पे सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब जो दास आपको रेफरेंस दे रहा है तो वर्तमान के, उसमें परमात्मा ने अलग से बताया था, उसमें लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी खुद कहते हैं मैं और शंकर और ब्रह्मा, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आप कहते हो ये अविनाशी है। अब वो तो घोट तो उसने रखी थी, पढ़ रखी थी, कंठस्थ याद थे,
हाँ बेटा लिखा तो ऐसा ही है, फिर ये अधरोमर कहाँ से लिखा है वो दिखा दो, मैंने जहाँ ये अधरोमर लिखा हो। लोक वेद सुना सुना तो आप लोगों को सुनाते हो और नाम लेते हो वेदों गीत और पुराणों का। अब बुढ़ा आदमी कति छक्के छूट गए उसके, आंडी पाक रहा था, विद्वान पाक रहा था, कहने के बच्चा भी क्या करूँ कि मैं बताऊँ, ऐसे साधना कीजिए। फिर उसके मन में ये आता है रामानंद जी के मन में, क्योंकि वो अभ्यस्त समाधिस्थ होने का हठ योग करते ये सभी और समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं। कहता बेटा बच्चा मेरी, मैं समाधिस्थ होता हूँ ना, मेरी सुरती बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले भाई, कहते योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर ग्रीब तिरवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। ग्रीबदास जी लिखा है अपनी वाणी में कि योग युगत और प्राणायाम आदि करके उसने शरीर को साध रखा था और समाधिस्थ होकर के ऊपर जाता था, पर त्रिवेणी के घाट पर वहाँ अटक रहा बलबीर। कि ये अपने आप को महान मानता था, उस आगे जाके त्रिकुटी के पार जाके, त्रिकुटी पर जाकर तीन रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। एक त्रिवेणी तो अलग है, जैसे ईला और पिघला जाकर मिलती है उसको भी ये त्रिवेणी कहती है, वो नहीं, ऊपर जाके त्रिवेणी के घाट में। तो वहाँ जाके रामानंद परमात्मा ने कहा कि समाधि लगाओ, देखो कहाँ तक जाते हो। अब जो ही उन्हें समाधि लगाई, वो तो व्यस्त था, तो वहाँ पहुँच गए जहाँ तक वो डेली धक्के खा कर आया करता ऊपर समाधि में। सातवां भगवान उसी रूप में, छोटे बालक रूप में वहाँ बैठे जाके। अब परमात्मा ने कहा इसे आगे कहाँ जाओगे, का पता नहीं कहाँ जाऊँगा, ये तीन रास्ते हैं। जब तेरी मृत्यु, आपकी मृत्यु होगी, ये सामने वाला तो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे इस ओम नाम से और इस और अन्य मंत्रों से नहीं खुल सकता, वो मेरे पास है वह चाबी इसके खोलने की, सतनाम है उससे खुलेगा ये। और इधर ये रास्ता ही तुम्हारे उन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक को जाता है। जिस समय आपकी मृत्यु होगी उस समय सबसे पहले आप धर्मराज के पास जाओगे। धर्मराज आपको जाते ही, क्योंकि आप विष्णु के पुजारी हो, आपको विष्णु लोक में भेज देगा, आप विष्णु लोक में चले जाओगे। वहाँ पुण्य समाप्त होने के बाद फिर नरक में जाओगे, ये तुम्हारी स्थिति है। और वो रास्ता आगे जाना है, ऊपर को जाना, ब्रह्मरंध्र खोल के आगे चलेंगे, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे पास वो ओरिजिनल मंत्र है जिससे ये खुलेगा, खोल के दिखाऊँ। अकांक परमात्मा ने एक लीला की सिमरण किया कि मैं सुमन करता हूँ उस सतनाम का, वो एकदम सामने एकदम ऐसे पटाक देसी गेट खुल गया। ऐसे समाधि में अब समाधि में सोपन सा होता है, सब प्रत्यक्ष दिखाई देते रहते, सब क्रियाएं करता है इंसान, शरीर यहाँ होता है, ऊपर से मानसिक सब क्रियाएं स्पष्ट हो रही होती। तो परमात्मा उनको लेकर अंदर गए और कहा कि आगे, अभी आगे नहीं ले जाऊंगा, अब आप जाओ वापस। हाँ, परमात्मा को फिर उसको ऊपर जाके दिखा के देख, आप जिसको निराकार कहते हो ये है वो काल। और फिर परमात्मा सचखंड में लेकर गए उसको सतलोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथी दिखाकर, जैसे सब महापुरुषों को लेकर गए और काल को साकार दिखाया कि तुम इसको निराकार बताते हो, ये बैठा तुम्हारा निरंजन, ये वास्तविक निरंजन नहीं है, डुप्लीकेट निरंजन है ये। और फिर उस बारहवें द्वार को, पहले फिर ग्यारहवां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया, फिर बारहवां लोक द्वार, बारहवां द्वार पार करके फिर सचखंड सतलोक अमर लोक में प्रवेश किया। और आत्मा रामानंद जी की परमात्मा साथ लेके, शरीर नीचे ही बैठा था, ऊपर जाके दिखाए वो सारे वास्तविक स्वर्ग, जिसको रियल हेवन, ये है वास्तविक स्वर्ग, वो नकली स्वर्ग है तुम्हारे सारे, ये है वो अमर लोक, यहाँ के सदाबहार वृक्ष हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, यहाँ वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, जिसके विषय में कहा है परमात्मा ने बताया कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, ये स्थान वो है स्वामी जी। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि
मेरे इस ज्ञान का आश्रय तो कर लेता है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत को जो खोज लेता है उसके पश्चात वो केवल उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, सारे ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, और वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। संसार की किसी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं। तो यहाँ जरा नहीं, मरण नहीं, मृत्यु नहीं, वर्धावस्था नहीं। आगे लेकर गए रामानंद जी को, परमात्मा उनके साथ से बालक रूप में, वैसी 5 वर्ष की आयु के रूप में, और वहाँ जाकर देखा वो प्रथम सती थी में भगवान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, गुमज के अंदर बैठे, एक रोम में एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। वहाँ एक चंवर रखा था, 5 वर्ष के बालक भगवान के ऊपर ऐसे चंवर करने लगे। रामानंद जी ने देखा सचमुच ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठे है। उसी समय वो सिंहासन वाला खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सृजनहार के सिंहासन पर विराजमान हुए, और तेजो में शरीर वाला भगवान उस 5 वर्ष के बालक पर सेवक की तरह चंवर कर रहा है। रामानंद सोच ही रहा था, रामानंद जी सोच ही रहा था कि ये क्या मात्रा है, भगवान इनमें है कौन, इतने में तेजो में शरीर उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में समा गया और वो चंवर अपने आप घूम रहा है। और परमात्मा को 5 वर्ष के बालक का नूर उतना ही हो गया जैसे एक रोम कूप में, एक रोम में करोड़ सूर्य मिलाद करोड़ चंद्रमा, इतना नूर हो गया उनका। फिर परमात्मा ने बताया कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, ग्रीबदास खालिक नाम हमारा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर वसु अवगत सत कबीर। अब आंखों देख लिया, फिर परमात्मा ने कहा कि आप जाओ, संकेत किया, सेकंड के अंदर आत्मा वापस शरीर में आ गई। रामानंद जी देखा सामने 5 वर्ष का बालक फिर बैठे, न्यू का न्यू आ गए जहां बात हो रही थी उनकी। 104 साल का वृद्ध पंडित विद्वान चरणों में गिर गया, ओए होए, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे, दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। बोलो सतगुरुदेव।